सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं सर्विस अकाउंट एंड रोल्स फंडामेंटल्स का। तो यार पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना। इससे क्या होगा, यूजर नेम आपका लिखा जाएगा, एंटर प्रेस कर देना है आपको। देन पासवर्ड को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है एंड इधर एंड स्टैम पे क्लिक कर देना है। अब हमने इतनी सारी लैब्स कर ली तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आ गया कि एंड स्टैम में काफी बार आता है, काफी बार नहीं आता है। तो भैया हमें टेंशन नहीं लेना, हमारा जो क्लाउड कॉन्सोल है वो डायरेक्टली हमारे लिए ओपन हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, इतना आ गया है तो कोई इशू की बात नहीं है। आगे आपको थोड़ी बहुत चीजें और समझ में आ गई कि वीएम इंस्टेंस कहाँ से एक्सेस करते हैं, बिग क्वेरी कहाँ से एक्सेस करते हैं। बट ठीक है, अगर अभी तक नहीं आया है तो भी आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल को हमें क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना है। भैया यहाँ से हम अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मैंने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लिया, साइज में इसके आप लोगों के लिए इंक्रीज कर देता हूँ। इसे ओपन हो जाने दो, कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। ये ओपन हो जाएगा तब तक हमें क्या करना है, बैक जाना है, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है। हम चेक करेंगे क्या हमें कोई रीजन या जोन की कमांड दी है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, याली कमांड्स आप स्किप कर सकते हो। एंड ये देखो, ये जो है याली कमांड, अगर हम पूरी लैब में रन नहीं करे हो, बाकी पूरी लैब कंप्लीट भी कर ले तो भी हमें टिक नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वाली कमांड को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ऑथोराइज करने का आएगा, ऑथोराइज पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो याला काम हमने जो है डन कर लिया है। अब हमें जो है नॉर्मली बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। सर्विस अकाउंट के बारे में तो देख रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, हमें जो है क्रिएट करना है और मैनेजिंग सर्विस अकाउंट को बनाना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब हम एक सर्विस अकाउंट बना रहे हैं तो हमें जो है ये वाली कमांड लगेगी। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, एक सर्विस अकाउंट को क्रिएट करेंगे और उसका नाम रहेगा MySA123। उसका नेम है, देखो डिस्प्ले नेम करके लिखा है, और ये जो है उसका प्रॉपर नाम दिया है, माई सर्विस अकाउंट, ठीक है। इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है हमें नॉर्मली इधर आ जाना है, इधर आने के बाद जो है पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना है, ठीक है। तो ये सर्विस अकाउंट क्रिएट कर देगा। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड इस पर्टिकुलर सर्विस की चीज़ों को कॉपी करना है। अब ये क्या कर रहा है, याली कमांड जो है जनरली हम जो रोल्स उस सर्विस अकाउंट को देना चाहते हैं वो उसे ये डायरेक्टली असाइन कर देगा कमांड के थ्रू। अब भैया अगर कमांड के थ्रू हमें नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम IAMs एंड एडमिन्स में जाके भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी आप कमांड के थ्रू ही करिएगा। इस लैब में अभी हमें यही करना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, टास्क वन हमने कंप्लीट कर लिया, वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। अपडेट होने में टाइम लगाता है तो अगेन चेक में प्रेस पे क्लिक करना, अपडेट हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे चलने का अब हमें जो है टाइप्स ऑफ रोल्स के बारे में बताया गया है, प्रीमेटिव रोल्स, प्रीडिफाइंड रोल्स, कस्टम रोल्स। कस्टम रोल्स में आप अपने हिसाब से रोल्स प्रोवाइड कर सकते हो। प्रीडिफाइंड जो रहते हैं, जैसे वीएम इंस्टेंस वाले रोल होते हैं, क्लाउड स्टोरेज व्यूअर रोल होता है, ये प्रीडिफाइंड होते हैं। प्रीमेटिव रोल्स जो है उसमें ओनर, एडिटर और व्यूअर का रोल आता है। मतलब या तो आप उस सर्विस को ओन कर रहे हो, या तो आप एडिटर हो उसके अंदर, या तो आप व्यूअर हो, ठीक है। देन बात कर लेते हैं थर्ड वाले टास्क के बारे में, तो हमें जो है IAMs एंड एडमिन्स पे रीडायरेक्ट करना है एंड वहां पे सिलेक्ट करना है सर्विस अकाउंट को और एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना है। सर्विस अकाउंट नेम जो रहेगा हमारा बिग क्वेरी क्विक स्लैब रहेगा, तो इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। इधर आता हूँ, साइज में जो है इसकी डिक्रीज कर देता हूँ एंड डिक्रीज मैंने कर दिया है। इधर से मैं इस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करता हूँ, इधर से IAMs एंड एडमिन्स में मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब इधर से हमें जाना है सर्विस अकाउंट पे और एक सर्विस अकाउंट अब हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक तो हमने कर लिया कमांड के थ्रू, एक हम मैन्युअली करने वाले हैं। सर्विस अकाउंट ये रहा ऑप्शन, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। फिलहाल ये जो आ रहा है मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। इधर से हमें क्रिएट सर्विस अकाउंट पे क्लिक करना है, नेम की जगह पे जो है मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, मेक श्योर करना कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, क्रिएट एंड कंटिन्यू करना है और रोल्स के अंदर हमें असाइन करना है बिग क्वेरी यूजर को, ठीक है। सो मैं जो इसे कॉपी कर लेता हूँ बिग क्वेरी यूजर को, इधर आ जाते हैं, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद रोल्स पे हमें क्लिक करना है, इधर सर्च बार में इसे पेस्ट कर देना एंड इधर जो है आपको मिल जाएगा बिग क्वेरी यूजर, ये वाला इसको सिलेक्ट कर लेना, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है हमें बोल रहा है कि ग्रांट एंड एक्सेस करने का, तो हम नॉर्मली जो है थर्ड वाले टास्क वाला हमें नहीं करना है, देन नॉर्मली हमें जो है कंटिन्यू एंड क्रिएट कर देना है। डन पे क्लिक कर दो यार, ये हमारा काम जो है हो चुका है, हमने जो है ये काम जो है कर लिया है, ठीक है। एंड अगेन हम बैक आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट इंजन की तरफ जाना है और एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, किस नाम से, बिगक्वेरी इंस्टेंस के नाम से, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करना, इधर कंप्यूट इंजन पे आपको क्लिक करना है। अब इधर आपको वीएम इंस्टेंस पे क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट वीएम इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे एंड वीएम इंस्टेंस पे क्रिएट करने के बाद जो है जनरली वीएम इंस्टेंस मतलब वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर आपके वर्चुअल रिसोर्सेज होंगे, जो फिजिकली तो है नहीं बट हम उसे वर्चुअली जो है बोल रहे हैं कि हाँ वर्चुअली आपके लिए वो अवेलेबल है। सो इसे जो एक बार लोड हो जाने दो, अगर ये लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा तो अगेन हम क्या करते हैं, एक बार बैक जाते हैं वीएम इंस्टेंस पे एंड अगेन क्रिएट इंस्टेंस पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड ये लोड हो जाएगा कम्प्लीटली।
सो ये लोड हो चुका है। इधर नेम की जगह पे जो हमें इसको जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। मेक श्योर करना कोई स्पेस ना है। मेरा रीजन यूएस वेस्ट 4 है, मे भी आपका कुछ और होगा तो आप उसको सिलेक्ट करना प्लीज, ठीक है। तो इधर मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपका भी ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, नहीं होगा तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। देन हमें बैक जाना है, E2 हमें सीरीज को सिलेक्ट करना है, E2 मीडियम को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, E2 हमने ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ना हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। देन मैं जो है नीचे स्क्रोल करता हूँ, नीचे स्क्रोल करने के बाद E2 मीडियम 2 इसी को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा सिलेक्टेड है, नीचे स्क्रोल करते हैं, डेबिन GNU लिनक्स 11 बुला, यही इसने हमें बोला गया है, देखो यही दिया गया, ठीक है। अब सर्विस अकाउंट जो है हमें बिगक्वेरी क्विकस्लैप जो हमने क्रिएट करा था उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा भैया सर्विस अकाउंट, नीचे स्क्रोल करो, इधर आपको दिख रहा है सर्विस अकाउंट, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद जो ये हमने जो बनाया है बिगक्वेरी क्विकस्लैप, इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जो है अगेन बैक आना, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली क्रिएट कर दो इस पर्टिकुलर चीज को। तो ये मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ये जो हमने काम है अपना डन कर लिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हमें क्या करना है, एग्जांपल कोड जो है हम इसके अंदर डालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, इसके SSH को कनेक्ट करना है, और SSH को कनेक्ट करने के बाद जो है हमें इस पर्टिकुलर चीज को रन करना है। तो इस पर्टिकुलर चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद जो है मैं इधर आ जाता हूँ। इधर आने के बाद जो है एक बार इसे बन जाने, तो ज्यादा टाइम लेगा नहीं, तब तक मैं इसकी साइज जो है इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड इधर जो है हम इसके SSS को कनेक्ट करने वाले हैं, तो यार ये बन जाएगा तुरंत ही। तो हम क्या करेंगे, इस SSS के एरो पे क्लिक करके इसे जो है SSS शेल में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो एक बार ये लोड हो रहा है गाइस, परफेक्टली लोड हो जाने दो, ठीक है यार ये रन नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। डिसमिस करने के बाद जो है, ठीक है ये हट गया, अगेन मैं क्रिएट इंस्टेंस पे जाता हूँ। क्रिएट इंस्टेंस पे जाने के बाद जो इसकी साइज में अगेन डिक्रीज कर देता हूँ। लैब थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी गाइस, उसके लिए सॉरी, बट हाँ हमें ये तरीका यूज करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर चीज को हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम इधर आ जाएंगे, इधर आने के बाद जो इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे। अब बात आती है US वेस्ट 4 में एरर आ रही है, तो भैया अब हम कौन सा लें, अब हम लेंगे US सेंट्रल को, ठीक है। ये US सेंट्रल 1 को हमने ले लिया, US सेंट्रल 1 सी ही इसे रहने देना, ये E2 ही रहेगा। एंड अगेन हमें जो है नीचे स्क्रोल कर देना है, ये E2 मीडियम 2 ही रहेगा, ठीक है। नीचे स्क्रोल करेंगे एंड ये बाकी सारी चीज यही रहेगी, बस यहाँ पे हमें चेंज करना है। इसको हमें सिलेक्ट करके अपना बिगक्वेरी क्विकस्लैप को सिलेक्ट कर लेना है, ना दिखे फिल्टर में सर्च कर सकते हो। देन क्रिएट पे हमें क्लिक कर देना है। सो ये एक अल्टरनेटिव जोन है, जो हमें जोन दिया गया है लैब में हमें उसे यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक अपना एक अलग जोन ले रहे हैं जिसके अंदर मे बी रिसोर्स अवेलेबल हो, ठीक है। सो ट्राई करते हैं क्या ये वाली मेथड वर्क करती है, क्या इससे हमारा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट होता है। तो यह जैसे ये बनता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, SSS के एरो पे क्लिक करना है, व्यू इन जी क्लाउड कमांड पे क्लिक करना है, रन इन क्लाउड शेल पर क्लिक करना है, ठीक है, एंटर कर देना। तो ये जो हमारा काम है वो हमारे लिए डन हो गया। देन इधर कैप्स लॉक ओपन करके Y लिखना, एंटर प्रेस करना, देन डबल टाइम एंटर प्रेस करना। तो ये हमारा काम जो है डन हो चुका है, ठीक है। देन नीचे स्क्रोल करते हैं, अब हम इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। देन अगेन जो हमें बैक आ जाना है, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना है। देन हम जो इधर आ जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। देन अगेन इधर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे एंड इधर आ जाएंगे। एंड इसको जो एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देना, देन अपने नेक्स्ट कमांड को पेस्ट करके एंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो ये चेक कर रहा है क्या सारी चीजें है और अनपैक कर रहा है जो हमारी चीजें जो हमने एक पैकेज के अंदर देके रखी है इसको उसको, ठीक है। तो एक बार इसे एग्जीक्यूट हो जाने दो कम्प्लीटली। सो फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है, नेक्स्ट कमांड को हमें पेस्ट कर देना है, एंटर दबा देना है, ठीक है। सो ये जो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन अगेन हमें बैक जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अब इस पर्टिकुलर कमांड को हम कॉपी करेंगे, देन अगेन हम इधर जाना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। देन अगेन हमें जो इधर आना है, इस वाली कमांड को कॉपी करेंगे एंड इधर आ जाएंगे एंड इसे एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देंगे, देन इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। सो ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, बैक आने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो हमें इधर आ जाना है, इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। देन अगेन हमें जो है बैक जाना है, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, देन इधर आ जाएंगे एंड इसको जो है एक बार एग्जीक्यूट हो जाने देना, देन इसको पेस्ट करना, एंटर दबा देना। देन अगेन बैक जाना एंड बैक जाने के बाद जो है हमें नीचे स्क्रॉल करना है, एक पाइथन जो है फाइल क्रिएट करेंगे एग्जांपल के फॉर्म में, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। सो ये क्रिएट हो गई है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे, इधर आने के बाद इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। सो ये हमने काम कर दिया, अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। कैट से क्या होगा, वो पूरी चीज जो उसके अंदर लिखी है वो आपके सामने पेश कर देगा कि भैया ये देख लो, ये फाइल जो है क्रिएट हुई है, ठीक है। ये आ गई, नीचे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है इस वाली पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करना है हमें। देन अगेन हम इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। देन अगेन जो है हम इधर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। अगेन जो हमें इधर आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे,
देन इधर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर दबा देंगे। सो सारा डेटा जो है वो आपके सामने पेश कर देगा ये, ठीक है। ये हमारा डेटा जो है हमारे सामने पेश कर दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, चेक प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, टास्क जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक। सो हमें जो है कंटिन्यूसली क्लिक करते रहना है, एंड जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा हमें जो है टिक मिल जाएगा। देखो अभी इधर जो है 90% तक तो हो ही गया है। अभी अगेन हमें जो चेक प्रोसेस पे क्लिक करना है, क्या हमारी कोई कमांड मिस हुई थी क्या, ये कैसे पता करें भैया हम? तो यार ये पता करने का एक ही तरीका है, हमें जो है एक बार सारी कमांड को रीजन करना पड़ेगा जो भी हमने इस टास्क की करी है, ठीक है। कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए हम अभी ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद जो है हमें क्या करना है, VM इंस्टेंस तक हमने काम कर लिया था, अगेन हम जो इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। अगेन इधर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। अगेन इधर आ जाएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद जो है हमें जो है इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन अगेन बैक आएंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, देन अगेन जो है हमें इधर आ जाना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, देन अगेन हमें जो है क्या करना है, इधर जाना है, इधर जाने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को जो है हमें कॉपी कर लेना है, देन अगेन हम जो इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो इधर आना है, अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, देन हमें जो है इधर आ जाना है, देन पेस्ट करना है, एंटर दबाना है, देन अगेन इधर आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, देन इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। अगेन इधर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी करेंगे, देन इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन अगेन नीचे स्क्रॉल करेंगे, गेट करने की जरूरत नहीं, सीधे इस कमांड को बस कॉपी करना, देन इधर आ जाना, पेस्ट करना, एंटर दबा देना, ठीक है। इधर आ जाना, नीचे स्क्रॉल करना इस कमांड को, एंड इस पर्टिकुलर कमांड को कॉपी कर लेना, देन अगेन हमें इधर आना है, पेस्ट करना, एंटर दबाना है, देन अगेन हम बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर्टिकुलर कमांड को अगेन हम कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। सो क्या हमारे टास्क में जो है अब सारी चीज़ें सही सेट वर्क करेगी, तो वो हम चेक करते इधर आते। तो यार ये जो हमने अपनी सारी कमांड्स को रन कर लिया, अगेन हम चेक प्रोसेस पे क्लिक करते, क्या हमारा टास्क कंप्लीट हुआ, क्या हमने जो वर्क करा है वो वर्क कर गया, तो एक और बार चेक प्रोसेस पे क्लिक करके देखते हैं। अगर ये वर्क ना करा तो फिर हम क्या करेंगे, मैन्युअली जाके जो है बिगक्वेरी इंटरव्यूअर रोल को असाइन कर देंगे, बिगक्वेरी क्विक स्लैग को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कमांड को ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इधर आ जाते हैं, इसको जो है मैं नीचे स्क्रोल कर देता हूँ, इधर से इन तीन लाइनों पे क्लिक करना, इधर से जो है आपको IAMs एंड एडमिन्स पे जाना है, ठीक है। IAMs एंड एडमिन्स पे जाने के बाद जो है हम इस पर्टिकुलर चीज को जो है वाला रोल असाइन कर देंगे, ठीक है। कौन सा रोल असाइन करना है हमें, बिग क्वेरी डेटा व्यूअर का रोल असाइन करना है, बिग क्वेरी क्विक स्लैब सर्विस अकाउंट को। इधर आ जाते हैं, सर इधर हमें जो है IAMs एंड एडमिन्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है बिग क्वेरी क्विक स्लैब अकाउंट है, इस पे जो है आपको, इसमें आपको ये जो है साइड में बिगक्वेरी यूजर दिख रहा है ना, इस पे जो है आपको क्या करना है, ये जिसमें इस पे बिगक्वेरी क्विक स्लैब दिखा ना, इसके पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको क्या करना है, ऐड अनदर रोल पे क्लिक करना है, इधर आना है, यहाँ से आपको जो ये बिगक्वेरी डेटा व्यूअर का रोल जो है उसे कॉपी कर लेना है, एंड इधर आ जाएंगे हम, देन इसकी जगह पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंड सर्च बार में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड इधर से आपको देखने को मिला बिगक्वेरी डेटा व्यूअर, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो हमने जो है सर्विस को असाइन कर दिया, सर्विस रोल इसे डायरेक्टली असाइन कर दिया। चेक में प्रोसेस पे क्लिक करते क्या हमारा टास्क कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने ये टास्क मैन्युअली करा है, क्योंकि ये डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अगेन चेक में प्रोसेस पे क्लिक करते, अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है ये, तो एक दो मिनट लगते हैं इसको अपडेट होने में, और ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अगर ये कमांड से वर्क ना करे तो आप मैन्युअली ऐसे भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो बस ये अपडेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। इसके मतलब नहीं है इससे टिक लगने से, मैं आपको बाहर शो कर देता हूँ कि मुझे टिक मिला है कि नहीं, ठीक है। एंड लेप पर नॉर्मली क्लिक करते हैं, सबमिट पे हमें क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने का देर जितने भी स्टार देने हो आप दे सकते हो, मैं शो करता हूँ फिलहाल में हमें टिक मिला है या नहीं मिला है। सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, बैक पे मैं आ जाता हूँ। बैक पे आने के बाद जो है अब मैं जो है नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे भी हमें टिक मिल चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।